एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार का प्रसिद्ध डिश ठेकुआ, गुड़ और आटे से। ये बहुत ही अच्छी बनती है और ये बहुत खस्ता ठेकुआ मैं बना के आज दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम गुड़ को तोड़ लेंगे और तोड़ के इसको पानी में डाल के इसको पहले मेल्ट कर लेंगे। इसको मैंने पानी में डाल के और अच्छे से इसको मेल्ट कर रही हूँ। और ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके पानी को, गुड़ के पानी को छान लूँगी। और ये मैंने इसे छान लिया है। गुड़ के पानी को मैं छान के अलग कर लूँगी। मैंने गुड़ का पानी छान के अलग कर लिया ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए। अब मैं ले रही हूँ आटा। उसमें मैंने मोयन के लिए थोड़ा सा घी डाला है। आप इसमें शुद्ध घी भी डाल सकते हैं या आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें मोयन अच्छे से मिला दें। मोयन को मैंने अच्छे से मिला दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। और तब इसमें इतना इतना मोयन आप डालो कि आप इसे ऐसे ऐसे लड्डू बनाओ तो ये लड्डू बन जाए। इस तरह इतना आपको मोयन डालना है ताकि ये खस्ता बन सके, नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसलिए आपको इतना मोयन डालना है। अब इसमें मैं डालूँगी, मैंने भून करके और छील करके बादाम रखा है। बादाम को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने कुछ इलायची पाउडर के 2-4 दाने। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी और इसको मिला दूँगी। और अब ये गुड़ का पानी से मैं धीरे धीरे इसको मिला के ठेकुए का डो तैयार करूँगी। इसको पूरी के आटे की तरह नहीं बनाना है, ये थोड़ा हार्ड बनता है। ये बहुत ज़्यादा इसको बनाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको गूथा नहीं जाता। बस इसको हल्का ठेकुआ के आटा बस ऐसा ही रहता है। ज़्यादा इसको पूरी के आटे की तरह नहीं बनाना, बस इस तरह से इसको मिला लेना है। इसका मुझे बहुत नरम आटा नहीं बनाना। बस ये देखो आप, ऐसे बन रहा है। ये हमारा डो तैयार है। अब मैं करूँगी कढ़ाई घी को गरम। अब तब मैं इससे आपको ठेकुआ बनाना सिखाऊंगी। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी। अब मैं इसमें डालूँगी घी। ये मैं शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब तक ये घी गर्म होता है तब तक हम इधर ठेकुए की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। इसे हम ठेकुए को बनाने के लिए इसको बस हाथों पे ऐसे गोल हमें करना है। इसे गोल करके लड्डू की तरह बना देना है। ये देखो, ये इस तरह से गोल हो जा रहा है लड्डू की तरह। इसे मैं इसे बना दूंगी। ऐसे तो डिजाइन इसके सांचे मिलते हैं हमारे बिहार में, पर मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं इसे आपको फोक की सहायता से बनाना सिखाऊंगी। इसमें आप अपने मन से भी बहुत डिजाइन डाल सकते हैं। चलिए अब मैं बनाती हूँ। ये रोटी बेलने का चकला है, इस पे डाल के और इसे ऐसे हाथ से आप प्रेस करें। और इसको अपने हिसाब से इसको शेप दे दें। फिर मैं लूँगी एक फोक और अब इसे मैं करूँगी इसमें डिज़ाइन ऐसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ठेकुए चार
मैंने फूक की सहायता से बना दिया। और अब मैं इस हमारा हो चुका है उधर घी गरम, अब मैं उसमें ये डाल दूँगी। घी मेरा काफ़ी गरम हो गया है, अब मैं गैस को कर दूँगी धीम सेम और उसे मैं अच्छे से बनने दूँगी। क्योंकि ये गुड़ का है तो ये जल्दी बन जाता है, इसमें कलर थोड़ी डार्क आ जाती है क्योंकि गुड़ के ठेकवे जो है उसमें कलर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गुड़ भी हमारा कलरफुल होता है, इसलिए इसके ठेकवे में भी कलर बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जल्दी पक गया, इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप उसको धीमी करके आप उसे अच्छे से आप उसे पकने दें, गैस को बिल्कुल धीमी कर दें और उसे पकने दे दो 3 मिनट तक। ये ट्रेडिशनल ठेकवा है, ये छठ में गुड़ के ही ठेकवे चढ़ते हैं, पूजा में चढ़ाई जाती है, तो ये ट्रेडिशनल ठेकवा है। इसका कलर भी आप देखो कितना अच्छा आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये मैंने सारे ठेकवे निकाल लिए, अब मैं इसी तरह से बाकी बचे हुए को मैं ठेकवा बना करके सेक लूँगी। आप देख सकते हैं ये ठेकवे तैयार हो गए हैं, आप इसे देखो और खाओ, टेस्ट करो, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये बिहार के ट्रेडिशनल ठेकवे हैं जो हमारी पूजा में, बिहार का प्रमुख पर्व है छठ, और उसमें ये गुड़ के ही ठेकवे चढ़ते हैं, चढ़ाए जाते हैं, तो ये हमारा प्रसाद रूप में भी यही आता है। आप इसे बनाओ, खाओ और एंजॉय करो, ये बहुत ही अच्छे लगते, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।